क्या जीजी ने खाना पीना छोड़ रखा है? ये ख्याल रख रहे हैं आप सुगना जीजी का? एक तरफ तो वो इतनी परेशान है और आप लोगों से ये भी नहीं हुआ कि उनके खाने पीने का ख्याल रख सके। प्लीज वो तो हम लोग यहां पर आ गए तो मैं पता चल गया, वरना तो चल गया। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? तो कैसे बात करूं जीजी, कैसे? हम लोग आपको घर ले जाना चाहते हैं कि थोड़े वक्त आप हमारे साथ रहें, और ऐसे मुसीबत के समय में आपका मन बहलेगा। पर ऐसे समय में भी ये लोग तेरी इज्जत मेरी इज्जत के पीछे पड़े हुए हैं, आपके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। हमें हमारी बींदनी के बारे में क्या सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, ये दूसरों से जानने की कोई जरूरत ना है। अगर बींदनी ना खा रही है तो उसे खिलाने के लिए सुबह से कितनी कोशिश जारी है ये तूने ना देखा है? बस सच तो ये है कि आप लोग बस कर सकते हो। जगदीश मैं बात करूं हूं। नहीं राजी सर, चुप नहीं रहेंगे हम। और क्यों शांत रहें? हमारी जीजी को तकलीफ तो मिलती है इस घर में, मुसीबत के समय में धीरे साधा ताने सुनने के लिए मिलते हैं जीजी को यहाँ पर। चकिया बस करना। और हमने तो सिर्फ इतना ही देखा, हमारी पीठ पीछे जीजी कितना सहन करती होगी क्या पता। चकिया बस कर। जैसे इन लोगों ने इनके भूखे रहने की खबर हमसे छुपाई है, बाकी चीजों की तो कोई फिक्र ही नहीं होगी इन लोगों को। चकिया बस कर। जीजी मैं बात करूंगा। चकिया जी में आए बोले चला जा रहा है, मैं अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझा? मैं जानती हूं क्या तुझे मेरी चिंता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना चकिया कि तू बड़े छोटों का लिहाज भूल जाए। चलकर सबसे माफी मांग लीजिए। देखिए जो भी हो वो बड़े हैं हमसे, और उससे भी ज्यादा वो सुगना जीजी के सासरे वाले हैं, हम उन्हें नाराज ना कर सकते। ऐसा कुछ गलत नहीं किया मैंने जिसके लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए, समझी? देख लिया मदन, दिल भर की इज्जत ना इनकी नजर में हमारी। मजबूरी में बेटी ब्याह दी, वरना हम पे इनका कोई भरोसा ना है।
आज साफ हो गया ना इनके दिल में हमारे लिए कितना जहर भरा हुआ है। रामचरण साहब बच्चा है, ये जहर ना है, अपनी बेना के लिए उसके मन की चिंता है। ऐसा कुछ ना है हमारे मन में, साथ ही बोलूं आपको, छोरे ने जो बोला बहुत गलत बोला। छोरी के सासरे में तो गला भी धीरे से खकारा जावे कि कोई बुरा ना मान जावे। और मैं अपने पोते के लिए आपसे माफी मांगू। अभी माफी मांगने से कोई फायदा माजी साहब? जूती धो गयो माथे ऊपर, अपमान तो गयो कर गयो, पर ऐसा अपमान हुआ है जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था हम लोगों ने तो। ये माफी मांगना भी एक ढोंग है आपका कल्याणी देवी। बोल वो रहा था लेकिन जुबान तो आप ही की थी ना। जानबूझकर साथ लिया ना छोरे को ताकि दिल की भड़ास भी निकल सके और छोरे के नाम पे उड़ा भी दे बात। रामचरण साहब मैंने अपने बच्चे को ना अपनी ढाल बनायो ना अपनी तलवार। अगर यही बात बोलने में आती तो अपने मुंह से खुद बोलती, पर ऐसो ना है। बच्चे के मुंह से जो निकल गयो सो निकल गयो, आप समझदारी में उसे माफ कर दो। अब जय समझदारी से काम ले भी लेंगे तो कहीं फायदो, जो चोट देनी थी वो तो दे दी, अब बात बदल तो नहीं जाएगी ना। भूल हमसे ही हुई है, हम ही भुलावे में जी रहे थे। आज तक सुगना को बींदनी नहीं अपने घर की बेटी माना हमने, पूछो। रा बात भूल गए थे कि आखिर खून का रिश्ता तो आप लोगों के साथ ही है ना। इसका सामने से दादा लाड दिया है इसको। हम तो हमेशा पराए रहेंगे। जब इतनी इन लोगों के साथ जाना चाहे ना तो जाने देना, रोकने की जरूरत को नहीं है। दादी सा मैं ना जाऊंगी। भाभी भाभी जग्या को समझा देना मैं यहां बिल्कुल ठीक हूं। यहां पे सब लोग मेरा उतना ही ख्याल रखते हैं जितना मेरे पीहर में रख सकते हैं। ठीक है देवी माँ, सब भला करे, खुश रहना।
क्यों नहीं लग रहा है? शाम को फोन लगा रहे हैं ना, सुबह से 3 बार तो लगा चुके हैं। हाँ तो पता तो चले कि वहाँ डॉक्टर ने क्या कहा है, हो सकता है उसे किसी चीज की जरूरत हो। सब्जी ले आए। हाँ ठीक। आकन काका देख कर नहीं चल सकते? गलती हो गई छोटू। जगह जगह तो अकेला ही आया है, सुगना और बच्चे कहाँ हैं? तेरी माँ ने तुझसे कुछ पूछा है जग्या? सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ सुना, पर कुछ कहना नहीं चाहता मैं, क्योंकि मैं जो कहूंगा वो सच तो होगा पर चुभेगा सबको, इसलिए मेरा चुप रहना ही अच्छा है। छोटा होने की सजा मिल रही है मुझे। खाली भली हो गए, एक तो जो मुंह में आयो सबको सामने सुना के आ गए हो जे छोरा। हम अपनी गलती मानने की जगह तेवर दिखावे। क्या हुआ मासा? क्या हो गयो? अरे इस छोरे ने सुगना के सासरे में जाके उन सबको मन चाहिए फटकार लगाई। ऐसी ऐसी बातें कह गए उनसे कि कोई भी इज्जतदार आदमी बर्दाश्त न कर सके। सुगना भी कैसे अपने सासरे वालों की बेइज्जती बर्दाश्त करती? आप ही आने से मना कर दियो छोरी ने, तो खाली हाथ आ गए, ऊपर से उन लोगों की नाराजगी मोल ले ली। सो अलग तना रोकने की कोशिश की छोरे को, पर जे अरे हलवाई के तंदूर में उतनी आग ना होगी जितनी जे उगल के आ गया होगा। सुगना बेचारी समझ ना आवे उसके कि कैसे अपने भाई को रोके, कैसे सासरे वालों की इज्जत संभाले। ऐसो तमाशो कियो इसने वहां, मने तो कुछ कहने लायक ना छोड़ा उनके सामने। क्या करती, हाथ जोड़ के वापस आ गई। मैंने कहा ना इधर आ। बच्चा तुझे लोग नहीं कहते, तो खुद अपने आप को बच्चा साबित करने पर तुला हुआ है। अपनी बहन के यहां जाकर उनके सासरे वालों से कैसे बात करनी है, इस बात की समझ नहीं है तुझे? या तो बड़ी बड़ी बातें करके गया था कि मैं अपनी जीजी की परेशानी कम करूंगा, ये कम किया तूने? कैसे कर गया तू ऐसी बदतमीजी? बदतमीजी उन्होंने की बापू साहब, हमने सिर्फ जीजी को आने की बात की थी, बस भड़क गए वो लोग, हजार बातें बताने लगे। और कब तक चुप रहता मैं? उनकी बातों का जवाब दिया मैंने, अब आप ही बताइए गलती उनकी है कि मेरी? कहना जब बेटी के सासरे जावे ना कोई, नजर और आवाज नीचे रखनी पड़े। बड़े बड़े ज्ञानी कह गए कि दो जगह आदमी का सर झुके, एक भगवान के आगे, दूसरा बेटी के सासरे के आगे। जरूरत थी वो रामचरण शाह के साथ बहस करने की, उसका स्वभाव न जाने का? अरे उसे तो मौका मिलना चाहिए बस। दादी साहब तो वही थी ना, आपने देखा क्या क्या हुआ वहां पर? और कैसे चुप रहता मैं? अरे जैसे मासा चुप रह गई वहां पर वैसे। और मासा के होते हुए तुझे अपना मुंह खोलने की जरूरत क्या थी? सिर्फ उनका अपमान नहीं हुआ है, ऐसे में मासा का भी अपमान होता है। दादी सा अपना अपमान खुद कर रही थी। उनकी बात का जवाब ना देकर, एक तो तू गलती करके आया, ऊपर से जबान लड़ा रहा है तू, वो क्या गया तुझे?
बड़ों की इज्जत करना भूल गया तू? तुझे इस बात का अंदाजा भी है कि वो लोग सुगना को क्या क्या सुना सकते हैं, क्या क्या कह रहे होंगे वो लोग उसे इस घर के बारे में, तेरे बारे में? बिना बात के कोई कहता है तो कहने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको तो सिर्फ मेरी गलती दिखेगी, क्योंकि छोटा हूं ना मैं घर में, इसलिए। हाँ, सुगना जीजी के साथ कुछ भी होता रहे और हम अपनी आंखें बंद कर लें, क्यों? ये सोचकर कि वहां के लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कितना मान बढ़ेगा कितना नहीं? आप सब लोग ये बात सहन कर सकते हैं, मैं नहीं। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूं तो ठीक है, मुझे नहीं रहना यहां। मैं जा रहा हूं यहां से। आनंदी, जाने दे उसे, जहां जाना चाहता है वो। कब तक उसकी गलतियों को पुचकार कर चुप कराते रहेंगे उसे? उम्र के साथ साथ आदमी की अकल बढ़ती है, इसकी तो कम होती जा रही है। तो सर फटे जा रहे तुम्हारा। मासन, आराम करने से ही सर दर्द ठीक होगा, आप लेट जाइए थोड़ी देर। आप इंजली ना, जब तक जगदीश घर ना आ जावे ना, चैन ना आवे तुम्हें। ये जवान खून है, ऐसे गुस्से में घर से निकल गए हो बाहर, जाने कहां भटके गए हो अब। तेरा फिर से फोन लगाना भैरो। ऐसे तू भी कमना है भैरो, थोड़ी सी डांट पिला के खत्म कर ताकि सब। बाप का जूता जब बेटे के पैर में आने लगे तो बेटे से संभल के बात की जावे। किस किस को समझाऊं? हो गए हो, मुझसे भी बात ना करोगे तुम? मैं सारा दोष जगह को नहीं दे रहा हूं सुमित्रा। श्याम के ताऊजी का स्वभाव मैं जानता हूं, लेकिन बड़ों से गलत तरीके से बात करने की भूल तो उसने की है, वो भी सुगना के सासरे वालों से। अब तू ही बता मैं क्या करता।
लड़का तो कभी अपनी गलती मानने वाला है नहीं, तो क्या पिता होने के नाते मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं उसे डांट सकूं? है, पूरा हक है आपको, पर ऐसे नहीं। देखिए जगह बच्चा ना रहा, पहले की तरह उसे हर बात पर किसी के भी सामने डांटना ठीक ना है, खासकर आनंदी के सामने तो बिल्कुल नहीं। आप ही सोचिए, अपनी भीमनी के सामने आपसे डांट खाकर कैसा लगा होगा उसे, कितनी शर्म आई होगी उसे। अरे इसमें शर्म की कौन सी बात है, हाँ? मासा क्या मुझे नहीं डांटती है? और भाई साहब की भी बात अगर कोई गलत लगे ना तो उन्हें भी टोक देती है, और फिर जगह तो ये। पर भाई साहब और आपकी बात अलग है, आप में और जगह में एक पीढ़ी का अंतर है, और पीढ़ियों के साथ साथ सोच समझ और व्यवहार में भी फर्क आता है। ऐसा नहीं है कि आजकल के बच्चों के मन में हमारे लिए आदर की कमी है, पर वो हमारी तरह ही सहनशील हो, अच्छा लगे या बुरा चुपचाप हर बात सुन ले, उनसे ये आशा करना ठीक ना है। अच्छा चलिए, आप जगह को फोन कीजिए ना, इतनी रात हो गई अब तक आया क्यों ना है वो। मासा के सर में भी बहुत दर्द है और चिंता में अब तक जाग रही है, तब तक ना सोएंगी जब तक जगह घर ना लौट आएगा, करिए ना। सुमित्रा मैंने उसे फोन किया तो था, अब वो उठा नहीं रहा है तो एक बार फिर कोशिश करिए। नहीं नहीं सुमित्रा, कोई जरूरत नहीं उसके लिए परेशान होने की, गुस्सा शांत हो जाएगा तो अपने आप घर वापस आ जाएगा, बड़ा हो गया है ना, तो इतनी अकल भी होनी चाहिए कि वो अपनी गलती समझ सके। कब तक बात बात पर यूं रूठकर अपनी मनमानी करता रहेगा वो। माखन काका जी, छोटे हुकुम से आ गए? नहीं, इसीलिए तो आपको जगाया, आप मेरे साथ बाहर तक आएंगे? अभी इस वक्त? हाँ काका, घर में सब बहुत चिंता में है, चलिए ना। चलता हूँ मैं, आप रुकिए, मैं टॉर्च लेकर आता हूँ। उस तरफ गाड़ी घुमाकर यहाँ ले आइए। ठीक है। जगिया, ये रात में तू यहाँ क्या कर रही? जा, घर जा। नहीं, अकेले नहीं, तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। जगिया, घर में सब कितने परेशान हैं, और तुम यहाँ? जब किसी को परवाह ही नहीं है मेरी तो चिंता किस बात की? मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या सोचता हूं, मैं तो कुछ समझना ही नहीं चाहता, और मैं जो भी फैसला करूं सबको गलत ही लगेगा। क्यों? उनसे छोटा हूं इसीलिए? और ऐसा भी क्या गलत कर दिया मैंने कि सबने इतना कुछ सुना दिया मुझे? देखा बापूसा ने कितना डांटा, जबकि गलती मेरी है ही नहीं। और तो और सुगना जीजी ने भी मुझे गलत ही समझा, अपने सासरे वालों की तरफ से बोलने लगी मैं। पर चकिया, तुम्हारी भी थोड़ी तो गलती थी ना, सुगना जीजी तुम्हारी बहन है,
लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझते हो कि वो उस घर की बिंदनी भी है और हर बिंदनी को अपने सासरे वालों का साथ देना पड़ता है। जगिया, तुम्हें याद है जगिया, महापंचायत के फैसले के बाद जब मेरे माँ बाप मुझे अपने साथ घर ले जाना चाहते थे तो मैंने मना किया कि नहीं, मैं अपने सासरे जाऊंगी। बहुत नाराज हुए थे वो दोनों, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ अपने सासरे वापस आ गई, क्योंकि जगिया ब्याह के बाद वो ही मेरा घर है। उस समय माँ बापू बहुत उदास हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी माना कि मैंने जो किया ठीक किया। और तुम भी तो खुश हुए थे ना जगिया, मतलब मैंने जो किया सही किया, है ना? एकदम सही। तो जगिया, सुगना जी ने भी तो वही किया, अपने पीहर वालों के बदले अपने सासरे वालों का साथ दिया। तो तुम्हें इस बात का इतना बुरा क्यों लग रहा है? सुगना जी का ब्याह हुआ है श्यामबाई जी से, और जगिया ब्याह के बाद बींद का घर ही चोरी के लिए सब कुछ होता है, तो वो अपने सासरे वालों का अपमान कैसे सहन कर सकती थी? जगिया, सच के लिए आवाज उठाना अच्छा है, लेकिन आवाज उठाते समय रिश्तों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। जगिया, सुगना जी जानती है कि अगर पीहर वाले नाराज हो गए तो देर सवे मान जाएंगे, लेकिन वो सासरे वालों को नाराज ना कर सकती है, क्योंकि अगर वो नाराज हो गए तो सबके जीवन में अशांति आ जाएगी। घर चलो जगिया, बहुत रात हो गई है, चिंता में सब जाग रहे हैं। हाँ चलूंगा, लेकिन लेकिन क्या? खाना वाना है कि नहीं? सब खत्म कर दिया, बहुत भूख लगी। हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। लगी थी ना तुम्हें? हाँ, लेकिन मैं नहीं खा सकता। पर क्यों? कैसे खा लूं आनंदी, ये जानते हुए कि मेरी बड़ी बहन ने अभी तक कुछ ना खाया और ना खाएंगी वो, जब तक उनकी मन्नत पूरी नहीं हो जाती, तो फिर मैं कैसे? पर उनके लिए कितना परेशान है, उनका दुख बांटने गया था, पर क्या किया मैंने, उन्हें और दुखी कर दिया। सच आनंदी, बहुत बुरा हूं मैं।
बहुत बुरा। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम जगिया? भाग्यवान है सुगना जी जी जो उन्हें तुम जैसा भाई मिला। जगिया, गलती तो हर इंसान से होती है और तुमसे भी हुई है। पर मेरी बात सुनो, अगर तुम चाहो तो इसे सुधार सकते हो। हाँ साहब, ये कोई नई बात तो है नहीं जो आप इतना परेशान होती चली जा रही हैं। ठीक है, जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, पर रामचरण का स्वभाव भी किसी से छुपा नहीं है। अरे वो तो बहाना ढूंढते रहते हैं अपनी बिंदनी और उसके परिवार वालों के बीच में मीन मेख निकालने का। उनकी बातें सुनकर तो अरुण जैसे सीधे साधे और नरमी से बात करने वाले इंसान को भी गुस्सा आ जाए। फिर ऐसा, फिर जग्गिया तो गर्म खून है, जवान छोरा है, अपनी बहन के खिलाफ वो एक शब्द नहीं सुनेगा। इन भाई साहब जिस तरह से जगह ने, हाँ ठीक है भैरव, ठीक है मैंने सुन लिया, अच्छी तरह से सुन लिया मैंने। और तूने भी कुछ कम नहीं डांटा उसे, ऐसे मत किया कर भैरव, काफी डांट लिया ना तूने उसे, एक बार पहले भी डांटा था, उसका क्या नतीजा निकला याद है ना तुझे? बच्चों का सर वैसे भी इस उम्र में सातवें आसमान पर रहता है भैरों, कुछ उल्टा सीधा कर बैठा तो मुसीबत हो जाएगी। अच्छा जे बता बसंत, कुलदेवी के दर्शन हो गए ना भली तरह? जी हां मासा। अरे गया ना, मासा को प्रसाद दे। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा मासा, मन को बहुत शांति मिली, वरुण के लिए पूजा भी कर ली और प्रार्थना भी। सब हमें बांट दे, खुश रहे। पंडित जी पूछ रहे थे आपके बारे में, कहने लगे मासा को भी ले आते साथ में। हाँ वैसे जमाना बीत गयो, गुरुदेवी के मंदिर जाके मत्था टेके, बस अपना वरुण ठीक हो जावे ना तो सब साथ चढ़ेंगे मिलके। तू कहां से आ रहा जगह? सुगना जी जी के घर गया था। क्या बिना किसी से पूछे बिना किसी को बताए? अब कौन सा तमाशा करके आया तू वहां? कल के बर्ताव के लिए सुगना जी जी के सासरे वालों से माफी मांगने के लिए गया। जी जी के ताऊसा से भी। हाथ जोड़कर माफी मांग ली मैंने। तू सच कह रहा? उस समय तो गुस्से में आकर चला आया वहां से, पर बाद में लगा कि बहुत बुरा किया मैंने। सुगना जी जी वैसे ही बहुत परेशान है, उनका दिल दुखाकर सबसे बहस करके अच्छा नहीं किया, इसीलिए सुबह होते ही उनके घर चला गया। जगिया,
देखा कितना सयाना है हमारा छोरा। तू बेकार ही चिंता करता रहता है वैरों। अरे उसने गलती की और उसका पछतावा भी हुआ उसे, तभी तो खुद जाकर उनसे माफी मांग कर आया। तू भी ना बस, अब तो अपने बेटे को समझ ले भैरों। ना ना बसंत, रावे में ना रहे, इतना समझदार होता छोरा तो ऐसे कांडी ना करता कि जिसकी माफी मांगनी पड़े। ये सारी पट्टी बीजनी ने पढ़ाई है मारे छोरे को। जब ही रात रात तेवर बदल गए उसके। साहब इस तरह की बातें तनी विश्वास ना आवे मारी बात पे। बोल बीजनी, मैं सच कहूं कि झूठ? तू नहीं पढ़ाया ना छोरे को कि वहां जाके सुगना के जा जाके माफी मांगे? दादी सा, मैंने तो बस इतना कहा था कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए और बस बस। तारा पूरा प्रवचन ना सुना मैंने, मने इसी का क्या धरो है सब कुछ? अरे माँ बापू दादी समझा समझा के थक जावे छोरे को, उसके कान पे जू ना रहेंगे। लुगाई समझावे तो झटके से समझ जावे छोरा, जैसे कि संसार में जई एक विद्वान है, हम सब अनपढ़ कमार। अरे मारा लागे सर पहले ऐसो ना था। जब से तू आई है घर में तब से लक्षण बदल गए उसके। घर वालों को तो पूछे ही ना, और जाने कह कह करेगो आगे जाके। अरे मारो छोरो ऐसो ना था पहले। जब से तू आई है घर में तब से लक्षण बदल गए उसके। घर वालों को तो पूछे ही ना, और जाने कह कह करेगो आगे जाके। मासा जग्या ने किसी के भी समझाने पर अपनी भूल सुधारी, लेकिन भूल तो सुधारी ना। अरे हमें तो आनंदी की तारीफ करनी चाहिए कि उसने जग्या को समझा कर समधी सा से माफी मांगने के लिए मना लिया, लेकिन आपने तो उसे अच्छे काम के लिए भी डांट लगा दी। हरी बिंदनी ने बहुत भलो काम कियो, दोस्त की पीठ थपथपा के उसे शाबाशी दूं। लेकिन मासा इस तरह से तो। अरे अपनी बिंदनी की बकारत करना बंद कर, गुण गाए जावे उसके। ये तो सोच कि थारी अपनी औलाद थारी कई एक न माने, और वही बात लुगाई बोले तो जीव जोर। अरे लुगाई के सारो पे चढ़ता रहेगा थोरो तो अपना तो बेड़ा गरक कर लेगा। ये आज कड़क छोरे अपनी तो समझ ना है,
मजदूरों के गुलाम बनने को उतावले हो गए। तो देखो पूरा गोदाम बना के रखा है तुमने, कोई चीज जगह पर ना रखते हो तो। अरे बस ना, सुबह सुबह साफ सफाई को लेकर भाषण मत दिया कर। जगिया, श्याम भाई जी कितने प्यार से लाए थे ये टिकटें हमारे लिए, पर हम तो नहीं जा रहे। जगिया तुम ये जाकर वापस कराओ। कितने पैसे खर्चे होंगे भाई जी ने। तो ठीक कह रही है, श्याम भाई जी ने कितने प्यार से तोहफा दिया था हमें, पर अब जब जाना ही नहीं है तो पैसे क्यों बेकार करें। मैं अभी टिकट्स वापस कर आता हूँ और वो पैसे हम श्याम भाई जी को वापस लौटा देंगे। माता प्रसाद, अरे देवी माँ, हमारा वरुण फिर से पहले जैसे चलने फिरने लग जावे ना तो आपके द्वारे शुद्ध घी के पूरे 1001 दीपक जलाऊंगी। हाँ हेलो, अरे हाँ सुखना बोल, श्याम वापिस आया क्या? डॉक्टर क्या बोला? अच्छा ठीक है, चल रखता हूं। क्या हुआ भाई साहब, क्या कहा सुखना ने? श्याम यहीं पर आ रहा है, वो आकर बताएगा। हाँ पर छोरी जी तो बता देती कि डॉक्टर क्या बोला। गणी खमा दादी साहब। श्याम आ जा बैठ छोरा। सबसे पहले तो जेब बचा के उदयपुर से क्या खबर लाए हो तुम, क्या बोला वहां का डॉक्टर? दादी साहब रिपोर्ट देखकर तो डॉक्टर साहब ने यही कहा कि वरुण की रीढ़ की हड्डी में ज्यादा चोट नहीं लगी। लेकिन फिर भी एक बार पक्की तरह कुछ भी कहने से पहले वो खुद एक बार वरुण की जांच करना चाहते। मतलब इस हालत में छोरे को उदयपुर ले जाना पड़ेगा? नहीं नहीं दादी साहब, दरअसल डॉक्टर साहब को 2-3 दिनों में जोधपुर जाना है, वरुण के लिए कुछ घंटे जैसर में रखने के लिए तैयार हो गए, और उसी दौरान वरुण का कच्चा प्लास्टर भी खुलना है तो जांच भी अच्छी तरह हो जाएगी। लेकिन उनकी बातों से मुझे यही लगा कि कुछ नहीं होगा, वरुण सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवी माँ की कृपा है। श्याम तुम्हारी बात सुनकर ही मन का बोझ हल्का हो गया। सच में पूरा ध्यान सोते जागते बस वरुण पर ही रहता था। औसा जब डॉक्टर साहब रिपोर्ट्स देख रहे थे ना तो मैं एक टक बस उन्हें देख रहा था, और उनके कुछ कहने से पहले मेरा विश्वास पक्का हो गया कि हमारा वरुण बहुत खुशकिस्मत है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। सुगना के मन को भी शांति मिली होगी है ना? जी हाँ, खुशी के मारे वो तो रो पड़ी और वरुण का चेहरा भी एकदम खिल सा गया। पूछने लगा सच्ची बापू, अब बस प्लास्टर खुल जाए, जांच हो जाए अच्छे से और डॉक्टर साहब कह दें कि सब कुछ ठीक है, और देखना दादी सा यही होगा। हाँ श्याम, हम सबका विश्वास भी यही है, वरुण बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप लोग सब वरुण से मिलने आइए ना, बहुत खुश हो जाएगा वो। हाँ श्याम जरूर आएंगे।
तुम दोनों तो नहीं आ सकोगे। कल निकलना है ना गोवा के लिए, सारी तैयारियां हो गई। नहीं श्याम भाई जी, मैं अभी टिकट्स वापस करने ही जा रहा था। हम नहीं जाएंगे। अरे ये क्या बात हुई जग्या? नहीं श्याम भाई जी, आप और सुगना जी जी कितने परेशान हैं। इस समय हम दोनों घूमने फिरने कैसे जा सकते हैं? इस वक्त तो पूरे परिवार को साथ होना चाहिए ना। जग्या, तुम दोनों को वरुण की कितनी चिंता है, कितना प्यार है उसे, ये सब जानता हूं मैं। लेकिन मैंने कहा ना तुम दोनों से कि सब कुछ ठीक है। अरे इसीलिए तो ये बताने के लिए घर से सीधे यहां चला आया मैं। फिर भी हम नहीं जाएंगे। ठीक है कैसे छोरा, क्या जरूरत है इधर उधर घूमने की? मैं तो पहले ही इस बात के पक्ष में ना थी वाया। क्यों नहीं दादी सर, आप इसे सुगना और मेरी तरफ से इन दोनों के लिए भेंट समझ लीजिए। अगर हम कोई चीज ले आते तब तो मना नहीं करती आप, फिर घूमने में बाहर जाने में क्या बुराई है? जाने दीजिए ना इन दोनों को। बहुत ठीक है जो छोरा है? बड़ी तरह जाने कि इसकी बात को तो मना ना कर पाऊ मैं। तो इसका मतलब जग्गा और आनंदी गोवा जा रहे हैं? श्याम भाई जी, पर कल नहीं, पहले वरुण ठीक हो जाए उसके बाद। अरे ठीक है, कुछ दिनों बाद चले जाएंगे, ऐसे भी क्या जल्दी है? क्यों मासा? ठीक है तौसा, जैसा आप सब कहें। श्याम भाई जी ने बताया आज पहली बार वरुण ने अच्छी तरह से खाना खाया। सच आनंद, बहुत खुश हूँ। अब देखना कुछ ही दिनों में हमारा वरुण दौड़ने लगेगा। ये सब सुगना दीदी की प्रार्थनाओं का फल है। श्याम भाई जी और सुगना दीदी ने कितनी देखरेख की है वरुण की, दिन रात एक कर दिए उसके लिए जगते हुए। क्या आनंदी, मैंने मना किया था ना ये घाघरा ओढ़नी लेकर नहीं जाएगी तू। फिर तीर्थ यात्रा पर नहीं जा रहे हम, हनीमून के लिए जा रहे। वहां ये पहनेगी? ये नहीं तो क्या पहनूंगी मैं जगिया? अरे एक से बढ़कर एक ड्रेस खरीद कर दूंगा तुझे, एक बार शहर तो पहुंच जाए। मैं तो जयपुर से ही लाने वाला था, लेकिन लेकिन जगिया कहीं तुम वैसे वाले कपड़े तो ना दिलवाओगे? बिल्कुल वैसे वाले नहीं, मगर ऐसे तो बिल्कुल नहीं। और तू फिक्र मत कर, उन्हें पहनने में शर्म नहीं आएगी तुझे। फिर भी कुछ तो लेने दो। हाँ अच्छा है, रख ले। रखने में क्या जाता है, मैं पहनने दूंगा तब ना। तुम दोनों की तैयारी हो गई या नहीं? हाँ सासुमा, बस हो ही गई। लाडो जरा मेरे साथ आ, तो कुछ बात करनी है तुझसे। जी बैठ। तू अपने मायके में होती ना, ये सारी बातें तेरी माँ तुझे समझाती, पर मैं भी तो माँ हूं ना तेरी। बस यही कहना है तुझसे, तू अब अपने जीवन के एक नए मोड़ की तरफ कदम बढ़ा रही है। एक औरत के जीवन में ना बहुत से मोड़ आते हैं, एक जन्म में कई जीवन जीने पड़ते हैं उसे। बेटी, बहन,
बहू, अर्धांगिनी, माँ, सास, सभी, और इन सभी पड़ावों को पार करके ही एक स्त्री पूरा नारित्व प्राप्त करती है। तू एक अच्छी बेटी थी, अब भी है। फिर ब्याह करके तू एक सुशील बहू के रूप में हमारे घर में आई, इस परिवार का हिस्सा बन गई, चकिया की अच्छी दोस्त बनी, और अब तू उसकी अर्धांगिनी बनने जा रही है। दोस्त से पत्नी, पत्नी से माँ। हाँ लाडो, माँ बनकर ही एक औरत पूरी कहलाती है। एक जिंदगी को जन्म देकर एक औरत का जन्म सफल हो जाता है। तू भी अपने जीवन के इस नए मोड़ को प्रेम और स्नेह में डूबकर प्रेम के साथ पार करना। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। आओ, एक मिनट। तेरे लिए। ये किस लिए सासू माँ? नया जीवन शुरू करने के लिए तेरा नेक। भाग सुहाग अमर रहे तेरा। और आज मासा की तरह मैं भी तुझे यही आशीर्वाद दूंगी। दूधो नहाओ, पूतो फलो।